पंडित जी सब है ना, सारी चीजें आ गई। पंडित जी कम तो नहीं? ले लीजिए। आपको कुछ और चाहिए? हाँ बेटा चाहिए ना। क्या? अरे मुझे दुल्हन चाहिए। पंडित जी इस उम्र में दुल्हन? अरे खुद पे काबू रखो। डफर, मायरा की बात कर रहे हैं। दुल्हन आ गए, दुल्हन आ गए। मैं अभी सबको बुला के ले आती हूँ। अरे आप बैठो ना, मैं बुला के लाता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बैठो बैठो बैठो, मैं फटाफट बुलाता हूँ सबको। चमका नहीं मिल रहा ना, तो ये भी मत पहनो। क्या है ना, जिंदगी में अधूरी चीजें अच्छी नहीं लगती। मेरी शादी है आज, शादी देखो चलकर। चलो, सबकी नजरों से तू बेटर है, ना ही कोई तुम्हें देखेगा और ना ही तुम्हें कोई किसी काम के लिए भेजेगा। You understand? और हम थोड़ी बातें भी कर सकते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? यार अभी भी तुम यही मुझसे पूछ रहे हो कि किस बारे में बात करनी है। अरे तुमने बोला था ना कि तुम कोई आइडिया सोचोगे, तुमने सोचा नहीं क्या अभी तक कोई आइडिया? लेकिन क्या सोचूं? अरे यार क्या बंदे हो तुम, अभी तक यही पूछ रहे हो कि क्या सोचूं मैं। अरे आइडिया 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 सोचो, आइडिया सोचो। करण सर और उस जंगली बिल्ली पार्ट टू, मायरा की शादी कैसी रोकी जाए? सोचो कि करण सर और दी को फिर से एक साथ कैसे मिलाया जाए, ये सोचो। इसके बारे में सोचो, ये आइडिया सोचो। ओके शांति, सोचता हूँ। ओके राखी जी, वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। यजमान, आपका विवाह इनके साथ हो रहा है, तो कृपया आप अपना ध्यान इन पर ही केंद्रित कीजिए। पंडित जी आप अपना काम कीजिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, वरना मंत्र मोबाइल में भी मिल जाता है। कैसे बातें कर रहे तू पंडित जी से? दादी ऐसी बात करूँगा ना, आप जानती है ना मेरे और पिता के बीच में कोई आएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा आइडिया है, करण सर को डंडा मार देंगे। अरे तो फिर दूल्हा बनेगा कौन? Exactly, हमारे पास दूल्हा नहीं है ना, इसलिए तो खुद का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। अरे यार, यार पता है सैमी तुम क्या कर रहे हो? क्या? तुम करण सर का आइडिया चोरी कर रहे हो। अरे किसी और का आइडिया कॉपी पेस्ट करके हम अपना आइडिया बना के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें कुछ ओरिजिनल चाहिए, कुछ ओरिजिनल आइडिया चाहिए। ओरिजिनल ही सोच रहा था, लेकिन तुम बार बार जिद करी थी ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम्हें बता दिया। जिद्दी तो तुम हो ना थोड़ी सी, है ना? अच्छा ठीक है, तो अब ये रिजेक्टेड आइडिया के ऊपर इतना फुटेज मत खाओ, प्लीज कुछ और सोचो। ओके तुम भी सोचो। हेलो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या सोचना है? मैं पहले से सोच रही हूँ, तुम सोचो। पृथ्वी का फोन, ये क्यों फोन कर रहा है? खुश, हैप्पी।
मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रीता जी को। कौन है वो? कयामत। और वो लूथरास के लिए क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। लूथरास के अच्छे के लिए वो किसी की जान ले भी सकती है, और लूथरास के साथ रहने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है। मैं कह रहा हूं तुमसे, प्रीता जी एक बहुत ही स्वीट सीधी सादी संस्कारी लड़की, जो आज की डेट में भी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना पति मानती है, और वो अपने पति की शादी किसी और लड़की से नहीं होने देंगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी कि तुम प्रीता को अच्छे से जानते हो, तुम प्रीता को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम लगता है वो शादी रोक रही। अरे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है प्रीता क्या कर रही है? वो नीचे खड़े होके करण और माहिरा पे फूल फेंक रही है। जब कहां तक जा सकती है, कितना बर्दाश्त कर सकती है वो? कहीं उसकी बर्दाश्त का बांध टूट गया तो कहीं कुछ ऐसा हो जिसके लिए कुछ भी परेशानी हुई ना, तो मैं वहां रहूंगी, तो मैं उसे संभालूंगी। कहीं उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, अपनी माँ की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे वहां रहना चाहिए। बस अगर मैं वहां नहीं हूं तो कहीं वो मुझे ऐसा ना करते जिसके लिए उसे बात में पछताना पड़े। तो मैं बाहर जाता हूँ ना, धासू सा आइडिया लेके आऊंगा। तुम देखो तो मैं कहीं नहीं जाने दे रही हूँ, तुम्हें यहीं पर रहो। प्लीज मुझे जाना, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा यार। तुम अगर बेहोश भी हो गए ना तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि तुम किचन में रहोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकले ना, तो 99.9% मैं श्योर हूँ कि तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि पता है कि तुम फट्टू हो। मैं क्या हुआ? अरे ये बुलाने वाला ओए नहीं था। जब तुम्हारे दिमाग में एक शॉकिंग सा रॉकिंग सा धासू सा आइडिया आता है ना, ये वैसा वाला ओए था। कैसा आइडिया है यार, डरा दिया तुमने। बहुत सही आइडिया है सैमी। ये जो आइडिया है ना मेरे दिमाग में, इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। हमें करण सर को मंडप से उठाना पड़ेगा। क्या हाल क्या कर रखा है तूने अपना? कोई जरूरत नहीं है। करण किसी और से शादी करना चाहता है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। करण चाहता है ना कि मैं उसकी शादी होते हुए देखूं। ठीक है तो मैं देखूंगी, उसकी शादी होते हुए देखूंगी, एक ऐसी लड़की से जो दिल से दिमाग से इरादों से फैसलों से हर चीज से बुरी है। उसकी शादी होते हुए देखूंगी एक बहुत ही बुरी लड़की से, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात ना ही सुन रहे हो, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हो। नीचे करण और माहिरा की शादी हो रही है, फेरे स्टार्ट हो गए। कितने फेरे होते? 7? कितना वक्त लगता है? 5 मिनट? 10 मिनट? 10 मिनट? 10 मिनट से क्या कर रहे हैं हम? क्या मच्छर मार रहे हैं? 10 मिनट से हम नोक जोक कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इन 10 मिनटों में करण और माहिरा की शादी हो चुकी हो गई होगी? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नीचे जाके सबके सामने मत आ जाना, दूर से देखना। जब तक हम नीचे पहुंचेंगे ना, करण और माहिरा बड़ों के आशीर्वाद ले रहोगे, लेकिन तुम प्लीज किसी के सामने मत आना। चलो चल के देखते हैं कि तुम सही या मैं गलत। चलो मैं सही हूँ, तुम गलत हो, देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हम लोग इतना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल आप तो भाग गया होगा ना? वो भी यही है। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्या काम? तुझे किडनैप करने का। तुझे किडनैप करने आया होगा इस घर में। मेरे होते मेरे ऋषभ को कोई हाथ लगा के दिखा दे, उसकी जान ले लूंगी मैं। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पानी आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऋषभ यहाँ हम सबके बीच में है। किडनैपर की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऋषभ को यहाँ सबके बीच से उठा के लेके जाए। अच्छा कुछ नहीं होगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पर इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि किडनैपर है कहाँ, अंदर है या बाहर? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। करें आप लोग सारे घर रहिए, प्लीज सेफ। मॉम मैं आती हूँ, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ मॉम। सिक्योरिटी, कोई बाहर वाला घर के अंदर घुस आया। तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? पीता अरोरा भी घर के अंदर आ गई, और इस बार कोई आदमी आया है, ढूंढो उसे। हाल की कलाकार हो तुम, प्रिटेंड तो ऐसे करती जैसे सब कुछ मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, यूजलेस। हेलो
एटलीस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ, तुम्हारी जरा नहीं दूसरों के प्लान पे ऐसे उंगली उठा रही हूँ। यार तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो, तुम अगर बाहर की शादी होगी ना मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, और जिंदगी भर मुझे ये एहसास होगा कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए उस जंगली बिल्ली पार्ट टू माहिरा की शादी करण सर के साथ हो गई। तुम्हें पता है ना ये एक कलंक है जो तुम्हारे माथे पे छप जाएगा जिंदगी भर के लिए। कैसे रिएक्शन दे रहे हो यार, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती ना, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मत करो तुम मेरी हेल्प। तुम्हारे कमरे में चले वो बिल। ऑफकोर्स पिल्स लेनी है, साथ साथ जूस भी ले लेते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि जूस में कुछ मिला हुआ है यार। छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी जल्दी से करण सर के पास जाते हैं, उनको मैं एक ग्लास दे दूंगी और वो ये पी लेंगे और फिर अपना काम। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो चलो चलो। मेरे पीछे कौन है, वो किडनैपर तो नहीं? नीता, कहाँ जा रही हो? कि प्रीता जी ने रोक दी शादी को, ट्रस्ट मी। अरे मैंने कहा था कि प्रीता इस शादी में सबसे बड़ा पत्थर है, शादी रोके तो मैं क्या करूँ? तुम सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ तुम सबसे पहले। तुम ना, मैंने बोला था, मैंने कहा था से बाहर निकलो, अपनी आंखों का और दिमाग का एंटीना ऑन करो। देखा नहीं तुमने, पुलिस आ गई, यहाँ पर इंस्पेक्टर आ गया है। क्यों आया वो मैं बताता हूँ, प्रीता जी ने बुलाया होगा शादी रोकने के लिए। कानून का इतना हक तो बनता नहीं उनके हाथ में। तुम्हें लगता है अगर प्रीता बीवी के हक से पुलिस को यहाँ पर लेकर आती तो क्या पुलिस ऊपर घूमती किसी को ढूंढने के लिए? अब ये मत कहना कि पुलिस यहाँ मुझे। के बाद जूस मेरे हाथ में थमा दिया और अब आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, ये लीजिए ना करण साहब, आपके लिए स्पेशल। थैंक यू सृष्टि। लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है। हाँ वो एक्चुअली किडनैपर को पकड़ना है जिसने ऋषभ को किडनैप किया था, वो किडनैपर इस वक्त इसी घर में है। क्या हुआ? एक मिनट, वो ऋषभ को किडनैप करना चाहता ना, इसका मतलब ऋषभ के रूम में होगा। मैं देखता हूँ भाई। जूस, अरे अरे यार करण सर ने तो ये जूस पिया ही नहीं सारी। चलती चलो। पीपी, यहाँ से नहीं भाग सकता, 100% कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा। अब तुम्हें हो जो मुझे छिपा सकती हो, मुझे बचा सकती हो। देखो तुम इस घर में रहती हो ना, तुम जानती हो कि कौन सी जगह सेफ है कौन सी जगह सेफ नहीं है। कोई सेफ जगह पे मुझे छुपा दो ना जहाँ मैं सेफ रह सकूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, तुम अभी बहुत होशियार बने थे, अब क्यों भीगी बिल्ली बन गए हो? तुम्हें चौंक रहा, तुम करो मैं जा रही हूँ। प्लीज तुम मुझसे प्यार करती हो ना, प्लीज मुझे बचा लो, किसी सेफ जगह पे छुपा दो जहाँ मैं सेफ रह सकूँ, कोई मुझे देख ना सके। प्लीज प्लीज बेबी प्लीज, सोचो बेबी जल्दी सोचो, वरना वो लोग आ जाएंगे यहाँ से कहीं से भी आ जाएंगे। बेबी प्लीज मुझे बचा लो, कहीं छिपा लो सेफ जगह जहाँ मैं। काम करो, तुम टेबल पे जाओ, तुम टेबल। यहाँ के तुम लोगों ने मुझे थोड़ी टेंशन तो दे दी है। भाई की हालत देखी है तुमने? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जितना हो सके इस लड़की से दूर रहना।
आज भाई की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार ये लड़की है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस गर्ल। चलो मेरे साथ। अभी कोई नहीं है यार। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं है। तब गया, कुचल गया। मारो मुझे, मारो। ए, एक मिनट। ये जूस नहीं पीना तुम। ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे नहीं, तुम ये नहीं पी सकती। ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये स्पेशली करण सर के लिए बना है। आई बड़ी जूस पीने वाली। चलिए ना करण सर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, तुम पियो। कैसे बच्चों जैसा ही है। इसे सताने में बड़ा मजा, आई मीन इसे सजा देने में बड़ा मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सैमी? करण सर ने पूरा ग्लास खत्म, पूरा जूस खत्म कर लिया। सैमी, अब हमें उस किडनैपर को ढूंढना चाहिए। ये काम तो हो गया है ना? चलो चलो। खाती तुम हो, भुगतना मुझे पड़ता है। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो। जानता हूं उन लोगों के हिसाब से मैं टेबल था, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं पृथ्वी हूं। उसके बावजूद मुझ पे बैठ गई। जानता हूं एब्स जैसे निकल आए, मॉडल की तरह कैटवॉक भी करती हो, पर लंबी हो, वजन है तुम्हारा। तुम जानती हो कि तुम भारी हो, उसके बावजूद मुझ पे बैठ गई। अगर मैं तुम पर नहीं बैठती ना, तो करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल बिठा देता। यू शुड बी थैंकफुल। आई विल बी थैंकफुल इफ यू गिव मी सम वाटर। बेबी, दरवाजा नहीं खुल रहा। What? What do you mean, दरवाजा नहीं खुल रहा? लगता है ये दरवाजा जाम हो गया है। यहाँ मेरी सांसें जाम हो रही है और तुम बोल रही हो कि डोर जाम हो गया। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, सफोकेशन हो रहा है। मुझे बाहर निकालो, किसी भी तरह बाहर निकालो। अगर पुलिस यहाँ गई ना कमरे के अंदर, तो मुझे ढूंढ के मुझे पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुन रही हो तुम? चुप रहो। मैं कर ही रही थी, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर रही थी। तुम क्यों यहाँ पर आ गए? तुमने यहाँ पर आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते ना, तो अब तक करण और मायरा की शादी हो भी चुकी होती। क्यों आए तुम यहाँ पे? कब से शोलन को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है ना, फोन लग रहा है इसका। Just forget it. मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती आज। मेरी शादी है, मुझे एंजॉय करना है और बहुत प्रीति भी दिखना है। जो करना है शोलिन को करे जाके, मैं क्या करूं? सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है। तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो और लेट मी ट्राई। प्लीज बेबी, डोंट माइंड मेरी बात, मेरी बात का बुरा मत मानना। बेबी प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा अंदर। अरे तुम चुप रहो। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, और अगर प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं हुए तो क्या हुआ? कल या परसों हो जाएंगे। Patience is the key. और ये प्रॉपर्टी,
या फिर वो ऋषभ लूथरा, वो दोनों यहाँ पर ही हैं और हम भी यहाँ पर ही रहेंगे। और वैसे भी वो प्रीता अरोरा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आज के बाद इस घर में जो नहीं आ पाएगी। करण और उसकी दोस्ती जो टूट जाएगी। जल्दी से दरवाजा खोलो। शर्लिन, पृथ्वी, अगर आज बचना है तो अभी अभी के अभी इस विंडो से जंप करके निकल ले। यहां से निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक दरवाजा और एक खिड़की। अगर इस खिड़की से वो बाहर आया तो मैं उसे यहीं दबोच लूंगी, इस लैंप से उसके सर पे जोर से मारूंगी और जोर जोर से चिल्लाऊंगी। लंबी लड़की हो, तुम गुस्सा होने वाली क्या बात है ना? अरे गुस्सा नहीं हो रही हो यार, अगर कोई मुझे लड़की बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि ओहो ये तो अबला नारी है, अरे इस लड़की से तो कुछ नहीं हो सकता, इसे तो सहारे की जरूरत है, ये तो बिचारी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। और मुझे पता है तुमने इस सेंस में नहीं बोला होगा कि मैं बिचारी हूं, तुमने उस सेंस में बोला कि यू केयर फॉर मी ना, तुम मेरी आई केयर फॉर यू। केयर फॉर तो चलेंगे जरा किडनैपर मेरे पीछे, ठीक है? और आवाज तो किडनैपर भागा कैसे इतने लोगों के होते हुए भी? इस शर्ली ने उसे पता नहीं कैसे यहाँ से भगा दिया। नहीं भैया, अब वो किडनैपर अभी भी घर में ही है, थोड़ा ख्याल रखना, विंडो बंद करो। आइए ऋषभ जी, कितने भूले, शालिन को कह रहे हैं कि किडनैपर से बच के रहे, जबकि उनकी किडनैपिंग की वजह ही ये शालिन है, इसी ने उन्हें किडनैप कराया उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए। ऋषभ जी से शादी इसलिए की क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए, इसलिए इस लड़की ने उस किडनैपर के साथ मिलकर उन्हें किडनैप कराया। गॉड, और आज करण उस माहिरा से शादी कर लेगा और उसके बाद इस घर में मैं कभी नहीं आ पाऊंगी, और ये दोनों लड़कियां मिलके इस घर के हर एक सदस्य को बर्बाद करके रख देंगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ, बिल्कुल नहीं होने दे सकती। मैं करण को जाकर बताती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा किडनैपर को छुपा रही थी ये लड़की। मैं उसको सब कुछ बता दूंगी, बताती हूँ कि ऋषभ जी को भी किडनैप इसने करा है, मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। बहुत ही अच्छे घर की बेटी है, शरीफ है, खानदानी है, धोखा, झूठ, फरेब ये सब प्रीता में है ही नहीं, सभ्य है, संस्कारी है प्रीता, वो ये सब। अच्छा, संस्कारी लड़की है, तुझे याद है उसने नोटिस भेजा था और ढेर सारे पैसे मांगे थे एलिमनी के बहाने, और कहा था अगर ये पैसे नहीं दोगे तो हम सबको जेल में डलवा देंगे। तब कहाँ थी ये संस्कारी लड़की, भूल गई तो? लेकिन मम्मी जी, वो वक्त अलग था, टाइम अलग था। वो हो सकता है प्रीता बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो, इसलिए गुस्से में आके उसने ये नोटिस भेज दिया। लेकिन उसके मन में कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप भूल गई, जब भी हमारे घर पे हमारे पे कोई भी मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जिसने आगे आके हमारी मदद की। क्या वही प्रीता मेरे बेटे को किडनैप करवाएगी? नहीं करीना दी, ये आपकी गलत फहमी है दी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। Enough, भाभी। लो, आ गया ऋषभ। करीना, वो मॉम करण कहाँ है? ऋषभ, वो किडनैपर मिला? नहीं करीना, वो भाग गया। क्या? इसका मतलब वो किडनैपर यहाँ इसी घर में था? रुको, तुम करीना बुआ से दूर रहना। क्यों? उनके आसपास मत जाना। ऋषभ बेटा, तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा केयर करती हूँ। आई होप यू आर फाइन। आई एम। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि किसी बाहर वाले ने तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तुम्हारा किडनैप कराया? बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हारी किडनैपिंग उसी ने कराई है। उसने? किसने?
प्रीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इनके बारे में कुछ मत बोलिए। हम करण खान, ऋषभ लगा देंगे कि जिसके बाद महेश अंकल बहुत लंबे समय तक कोमा में चले जाएंगे या अब कभी उठ नहीं पाएंगे। हाँ करण, मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना, और तो तुम्हें पता है ऋषभ जी को किडनैप भी शाले ने कराया था। हाँ, ये सारी किडनैपिंग शाले ने प्लान करी थी। तुम इतने शॉक्ड क्यों दिख रहे हो? तुम्हें पता है ना कि शालिन एक बुरी लड़की है, ये तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन हम कंफ्यूज थे कि वो ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती है। तो अब मुझे समझ में आ गया, वो ऋषभ जी से शादी उनके पैसे के लिए। कमाल की एक्टिंग करती है प्रीता, क्या एक्टिंग है वाह। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम पर फिर से विश्वास करूंगा मैं, तुम्हारी बातें मान जाऊंगा मैं? धक्का तुमने दिया डैड को और इल्जाम मायरा पे लगा रही हो। ऋषभ की किडनैपिंग तुमने करवाई और इल्जाम शालिन पे लगा रही हो। प्रीता अरोड़ा, तुम्हें सिर्फ यहाँ मैंने शादी देखने के लिए बुलाया था। इट्स एनफ नाउ, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। करण, मैं सच कह रही हूँ, तो मेरी बात बताने चाहूंगी। वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, और मुझे ही गलत कहेगा। अगर ऋषभ जी को बताऊंगी तो भी कोई फायदा नहीं। करण इतना जिद्दी है, वो माहिरा से शादी कर ही रहेगा, और उसके बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी। और ये माहिरा और शैलिन ये मिलकर वही करेंगे जो इन्होंने प्लान किया है। महेश अंकल की जान ले लेंगे, और लोगों को लगेगा कि शायद उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई क्योंकि वो बीमार थे। कोई नहीं मानेगा कि कोई उनकी भी जान ले सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, और मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? शालिन इस वक्त बहुत डरी हुई है, उसको बहुत डर लग रहा है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि उसकी सच्चाई महेश अंकल को पता है। आज मायरा और करण की शादी के बाद ये जो शालिन और मायरा ने प्लान बनाया है, ये पक्का उसको पूरा करेंगे। ये लोग महेश अंकल की जान ले लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि कोई भी प्लान बनाए। मैं इनके हर प्लान को फेल करूंगी। इस घर को बचाने के लिए एक ही चीज है जो मैं कर सकती हूँ, और वो मेरी हद भी है और मेरा फर्ज भी है। हाँ, और वो चीज है इस घर में बहू के रूप में आना। शालिन और माहिरा जो करना चाहती हैं, उन्हें वो करने से रोको। माहिरा और करण की शादी रोको, और सारे सवालों का एक ही मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन माँ, बहन जी, हम समाज को माने या ना माने, हम समाज में रहे या न रहे, पर समाज हमें कभी नहीं छोड़ता। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप लूथरा परिवार से मिलके ये शादी का मसला सुलझा क्यों नहीं लेते? अब देखो, प्रीता की शादी तो हुई है ना, तो ये समाज प्रीता को शादीशुदा मानता है। अब जेकर कोई शादीशुदा लड़की मायके में रहती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। और देखो ना, अब बातें बना रहे हैं ना, वो कहते हैं कि प्रीता ससुराल से वापस क्यों आ गई, वो ससुराल क्यों नहीं जा रही। बहन जी, समाज है, मजाक तो बनाए गए, हम सबकी जुबान रोक तो नहीं सकते ना, लोग इसी तरीके से बातें बनाते रहेंगे। अपनी बच्चियों को कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, और अगर गलती से वो उस राह पर चल पड़े जो राह समाज तक नहीं पहुंचती ना, उस राह से मुझे कोई लेना देना ही नहीं। मैं जानती हूँ कि प्रीता कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, और जहाँ तक बीजी की बात है, ये हिसाब कर लूँ जरा, उसके बाद जाकर मैं उनका हिसाब करती हूँ। सजा दे दूंगी ना एक हफ्ते की, एक हफ्ते तक कफ सिरप नहीं मिलेगा उनको। और प्रीता,
प्रीता के साथ माता रानी और उसकी माँ है। वो जब जिंदगी में जो भी फैसला करेगी, माता रानी और मैं हमेशा उसके साथ खड़े। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, मैं इसलिए लेट हो। मेरी तो शैलिन से कोई बात ही नहीं हुई। शैलिन ने आपसे ऐसा बोला? हाँ। आपको याद है कि एक अंदाजा कितने बजे के लगभग उसने बोला आपसे? अराउंड 1:30। लेकिन 12 बजे तक तुम्हें किडनैप हो गया था, तो फिर शैलिन ने मॉम को ये क्यों बोला कि मैं आने में लेट हो जाऊंगा और मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है? बेटा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं नथिंग करीना वो, आई एम ओके। करीना जी अभी आई, एक्सक्यूज मी बेटा। शैलिन कहीं ना कहीं इन सब में कनेक्टेड है। शैलिन जानती थी कि मैं किडनैप होने वाला हूँ, इसलिए उसने मॉम को झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा ताकि मॉम पैनिक ना करें, और इसलिए मेरा दरवाज़ा खटखटाने पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, और इसलिए वो चाकू किडनैपर के हाथ में था। वो वही चाकू था जो शैलिन की प्लेट में था। अब समझ में आया ये पूरा खेल, और ये खेल उससे कहीं ज़्यादा गहरा है जितना मैं सोच रहा था। और अगर ये सच है ना, तो मुझे सच की तह तक पहुंचना पड़ेगा। ऋषभ बेटा, पंडित जी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं? 2 मिनट उनसे बात कर लो। माहिरा, मैं आ रही हूं। आ रही हूं तुम्हें ये बताने कि इस घर की सीता मैं हूं, और अगर मेरे अंदर वनवास है तो मेरे अंदर विश्वास भी है। सीता कल भी राम की थी, आज भी राम की है और हमेशा राम की रहेगी। पर तुम जैसी शूर्पणखाओं की नाक कल भी कटी थी, आज भी कटेगी और हमेशा कटती रहेगी। आ रही हूं मैं मायरा। से सिर्फ एक जवाब पूछ रहा हूं, मुझे किडनैप क्यों किया था? अच्छा जी, अब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तुमने मुझे किडनैप मेरे पैसों के लिए किया था, राइट? तुमने उस किडनैपर को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा ताकि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन ले सको, करेक्ट? आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे जाने दीजिए। किससे भाग रही? मुझसे? अपने आप से? मेरा पति है करण के साथ, मेरी शादी हुई है, पूरे रस्मों रिवाजों से हुई है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो तुम जाकर अपनी जोड़ीदार से बात क्यों नहीं करती? शैलिन, उसकी बातों पर तो तुम्हें यकीन है ना? उसको भी पता है कि मेरी शादी करण से हुई है। इनफैक्ट आज ही उसने मुझे कहा कि प्रीता अरोड़ा आज भी तुम करण लूथरा की लीगल वाइफ हो। क्या हुआ? Come on, Mahira, तुम इतनी shocked क्यों नजर आ रही हो? What is this shock on your face? तुम ऐसे क्यों behave कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं करण की वाइफ हूँ? ये बात मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रही, या तुम्हारे सामने कोई खुलासा करोगे? मेरी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं प्रीता से बहुत नफरत करता हूँ, डैड। And I'm really sorry. जब आपने आंखें खोली मैं आपके पास नहीं था। अगर होता ना तो वो प्रीता और आपको कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए डैड, अब प्रीता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना आपको ना मुझे, ना ही हमारी फैमिली में किसी और को। आज से प्रीता और हम सबके लिए अजनबी होगी। इस घर में उसकी एंट्री अलाउड नहीं होगी, क्योंकि वो इस फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी। और ये तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग, ये जो भी तुम बोल रही थी ना, 7 जन्म और सिंदूर, कुंडली मिली हुई है, भाग्य, ये सब क्या कर सकते हैं इसका? एक काम करो, एक नोटबुक लो और उसमें लिख लो, थोड़े से आंसू बहालो, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक सच बात बताऊँ मैं तुम्हें, दैट्स द फैक्ट, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, बट बाय चांस तुम मर भी गई ना, तो
इस परिवार का एक भी मेंबर आंसू नहीं बहाएगा। चीज मेरी है, मुझे बताइए, मेरे पास कोई रीजन तो होना चाहिए, मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे पास रीजन है, मैं तुम्हारा ये वहम भी साफ कर देता हूँ। ये क्या है? प्लेट है। इसके अंदर तुमने फ्रूट खाया था और मुझे फ्रूट ऑफर किया था, करेक्ट? तो कोई गुनाह कर गुनाह किया था, इसके अंदर जो चीज पड़ी थी गुनाह उसने किया था। अरे कौन सी चीज जानना चाहती हो? कौन सी चीज? चाकू। Where is the knife? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। Where is the knife? चाकू दिखाओ मुझे। मेरे से कहानियां मत बनाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बिना किसी बात पे या किसी भी बात पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, समझ में आया? और ना ही मैं वो इंसान हूँ जो कभी किसी लड़की के ऊपर चिल्लाए। मैंने आज तक कभी किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। यू द फर्स्ट वन। पता है क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार तुमने प्रीता जी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कोई ना कोई गुनाह किया है। ये तुमने किया है। एक्सेप्टेड। क्या किया मैंने प्रीता के खिलाफ? जब देखो तब बोलते मैंने प्रीता के खिलाफ ये किया है, वो किया। मैंने कुछ भी नहीं किया ऋषभ जी, मैं आपका किडनैप क्यों करा? कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं इसे रोकूंगी। क्या कर लोगी तुम? कर क्या लोगी तुम? सावित्री ने यमराज से अपने सुहाग को बचाया था, तो मुझे तो अपने सुहाग को तुम जैसी चुड़ैल से बचाना है। तो मैं जरूर करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, पुलिस तो मानेगी, क्योंकि आज भी मैं करण की लीगल वाइफ। मायरा ने कहा, करीना बुआ ने कहा, सबने कहा, तो मैंने भी कह दिया, लेकिन नहीं, आपने किसी और पर उंगली नहीं उठाई, आपने मुझ पर उंगली उठाई, मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं गलत हूं, तो मैं प्रीता को ब्लेम कर रही हूँ। प्रीता दूध की धुली भी नहीं है। अगर वो इतनी सीधी होती ना, तो आज मायरा की जगह प्रीता बैठी होती करण के साथ। तकलीफ ये है कि आप प्रीता जी को अपना दोस्त मानते हो, उस पे विश्वास करते हो, अंधा विश्वास करते हो, मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, समझते कि मैं गलत हूँ, और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने प्लेट तोड़ दिया। अगर आज के बाद आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना आप ये बात। शोलिन, उस कुछ का नाम है शोलिन। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मॉम की कसम, मैं आपके साथ कुछ भी गलत क्यों करूंगी? और इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, वो अपनी माँ की कसम छुट्टी क्यों खाएगा? I swear on my mom, मैंने आपकी किडनैपिंग नहीं की। वाह शर्लिन, तुझे अच्छे से पता है कि इन इमोशनल फूल्स को कैसे हैंडल करना है। वो इस कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकती, ये बाहर गई तो ये शादी रोक देगी, और मैं ये शादी नहीं रुकने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं कैसे रोकूं उसे? तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे बाहर जाने से रोक सकती हो? मायरा, आज अगर तुम दुनिया भी उलट पुलट कर दो ना, तो जो मैं करने जा रही हूँ उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब हटो यहां से। कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। मैंने पूरे बेडरूम में जो जमीन पे चीजें बिखरी हुई थी ना, मैंने सब कुछ देखा। बेटा, हम इस बारे में बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बार करण की शादी हो जाने तो उसके बाद। अच्छा बेटा, एक काम करो, जाओ जाके करण को ले आओ, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया, आई ओके?
शलिन, अब मुझे तुम पर शक होने लगा है, और ये शक सही है, मैं जानता हूँ, पर शक तो शक ही रहता है ना, जब तक उसे साबित करने के लिए सबूत न मिले, है ना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी वजह से यह शक पैदा हुआ, कुछ तो गलत जरूर है। कोई बात नहीं, करीना बुआ ने एकदम सही कहा कि एक बार करण की शादी हो जाए, उसके बाद पूरे परिवार के सामने मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे ये रिश्ता खत्म करना है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता मुझे खत्म करना है। वो पूरा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तुम्हारी शादी करवाते हैं, उसके बाद आज रात इस महेश लूथरा का काम खत्म करते हैं। इसका मतलब वो वक्त आ गया जब मुझे वो करना चाहिए जो मैंने सोचा है, करण से शादी। काम नहीं चलेगा, इस माहिरा को सीधा तो करना ही पड़ेगा। माहिरा, अगर ऋषभ को इसके बारे में पता चल गया तो कहानी बदल जाएगी। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। आइए आप लोग नीचे। जी। रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? काश ऋषभ की हुई शादी से कुछ हासिल हो पाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये लड़का किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त से जो भी बात करेगा ना उस शादी के खिलाफ, इसकी नजर में वो बुरा साबित हो जाएगा। मुझे तो वो भी परवाह नहीं है, मैं इसके लिए बुरा साबित होने के लिए भी तैयार हूँ। पहले भी मैंने इससे बात की थी, तो दोबारा बात करने के लिए तैयार। एक बार शादी तो रोके ना, तो करे शादी के लिए, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इसको जितना ज्यादा रोकूंगा ना ये उतना ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, ये शादी करके ही रहेगा। मैं जानता हूँ ना अपने भाई को, किसी ने नहीं सुनेगा ये। जाओ तुम लोग नीचे। बात बताओ, क्या जरूरत थी शराब पीने की? अरे तुम दुल्हन हो, तुम मंडप पे जाओगे, हजार लोग रहेंगे वहां पे, किसी को पता चल गया कि दुल्हन ने शराब पी रखी तो क्या सोचेंगे? ओह, तो इसे ये लग रहा है कि मैं माहिरा ही हूँ, लेकिन मैंने पी रखी है, इसलिए इतनी देर से मुझ पर गुस्सा हो रही है। ओह गॉड, ये शीशे में माहिरा दिख रही है, कहीं शलिन दिख ना ले। और एक बात याद रखना, ये जो खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ, अगर आज के बाद खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये घूंघट, एक्चुअली सही है, ये घूंघट रखो तुम, और अगर इस घूंघट से तुम्हारी सांस या आवाज दोनों में से कोई भी बाहर आए ना, तो लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि पप्पू जो इतनी आ रही है। चुपचाप जाके मंडप में बैठ जाना, चलो। तुम्हें पता है मैंने जब पुलिस वालों को यहाँ पे देखा तब तो मैं बहुत डर गई थी। कर लूंगी, तुमने जितना गलत करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं। भले ही मैं घूंघट के अंदर करण से शादी कर रही हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रही। आज भी मैं करण की बीवी ही हूँ, और तुम जैसे डायनों से इस घर को बचाने के लिए जो सही है वही कर रही हूँ। इस घर की अयोध्या में सीता वापस आ चुकी है, और अब इस घर की रामायण तुम तो क्या कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं बदलने नहीं दूंगी। ये कलयुग की रामायण भले ही हो, लेकिन इसमें भी राक्षसों का अंत ही होगा, जैसा हमेशा हुआ है। प्लीज। क्यों नहीं पुत्र, महेश को ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? जा ऋषभ, ले आ महेश को,
मैं ले आता हूँ। जब शादी हो जाती थी उसके बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखाते थे, तो मुझे लगता है हमें भी वही ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैंने मायरा से कहा कि वो घूंघट रख ले। ठीक किया ना करीना बुआ? बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे मायरा बेटा, वहां पर क्यों रुक गई? मंडप में आ जाओ। आ जा। जी शुरू कीजिए। जी हाथ पकड़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं, टेंस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। जब करण मुझे अच्छे से नहीं जानता, मेरी शख्सियत नहीं जानता, मैं इतनी सफाइयां देती हूं, वो मेरे मन को नहीं पहचानता, तो मेरे हाथ को क्या पहचानेगा? हे भगवान, पंडित हाथ देने को बोल रहा है और ये दुल्हन की हाथ ही नहीं दे रही। अरे कहीं नशे में धुत तो नहीं हो गई? माहिरा बेटा, बेटा हाथ आगे लाओ ना। माहिरा पुत्र, हाथ बढ़ा। क्या करण? पुत्र क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं पुत्र, तू ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे दादी, करण सर तो बिल्कुल ठीक है, बस बात इतनी सी है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मामी जी, करण बिल्कुल ठीक है, वो शादी कुछ ज्यादा लंबी चली है तो थका हुआ सा लग रहा है। नहीं मामी, थका नहीं, मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है मुझे यहाँ बस। आखिर समीर भाई और सृष्टि में क्या खिचड़ी पक रही है? दोनों साथ में यहां से क्यों चले गए? कर क्या रहे हैं दोनों? मेरा बेटा, चलो घूंघट उठा लो, ये नींबू पानी पी लो, यू फील फ्रेश। गर्मी तो बहुत लग रही होगी तुम्हें। नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो पिछली बार गड़बड़ हुई थी ना वही दोबारा हो। उनको शक हो जाएगा भाई को यार। ओके, योर ऑनर, पॉइंट नोटेड। सृष्टि की अदालत में ये फैसला सुनाया जाता है कि करण सर को ये गोली समीर लूथरा ही खिलाएगा। जूस में घुला मिला के पिलाएगा। हाँ पकड़ो।
क्या किया है तुमने सृष्टि? इनफैक्ट मैंने किया, अपने पैर पे खिलाड़ी खुद ही मैं मारता हूँ। नहीं, मैं तुमसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, लेकिन तुम तो मुझे ही कंफ्यूज कर देते हो यार। क्यूट लगते हो, सब करते हो तो आई लाइक इट, आई लव इट। क्या ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इमोशंस में बहने की भी जरूरत नहीं है हमें। हर शादी रोकनी है, चलो। हां चलो, रोमांस सोच रहा है, चलो चलो, लेट मी हेल्प यू। ट्रेडिशंस को ट्रेडिशन और दुल्हन को दुल्हन रहने दीजिए ना। लाइए, मैं इसे जूस पिला देती हूँ। खेलो। आप लोगों से विनती है कि शादी में विघ्न न डालें, क्योंकि ये शादी हमें शीघ्र अति शीघ्र संपन्न करानी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, बहुत कम समय है हमारे पास। अगर उसने घूंघट हटा दिया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि लूथरास की होने वाली बहू एक शराबी है, और इसकी तो सांसों से भी बदबू आ रही शराब की। कहां ये कर्म को संभाल रही थी, कहां खुद को नहीं संभाल पा रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये लड़की के पास दिमाग नहीं है क्या? लूथरास की बहू होने वाली है और इतनी केयरलेस। इसीलिए आप और आपकी बेटी कितना भी मुझे थैंक यू बोलोगे ना, कम पड़ेगा। I'm really sorry, Shalin, I'm really thankful. Seriously, I mean it. अब ये समीरा शेट्टी कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अब ये दोनों कौन सी नई मूवी बना रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम श्योर ये पिता के साथ मिलके कोई अलग ही कहानी बना रहे होंगे, ये शादी को रोकने की कहानी। मुझे अंदर जाके उन लोगों को ढूंढना होगा, रोकना होगा। और वैसे भी मेरी दी ना यहाँ पर करण सर की शादी अटेंड करने आई है, उनके सारे रस्में रिवाज अटेंड करने आई है। वो करण सर को ये दिखाने आई है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर अ फैक्ट मुझे पता है कि दी को बहुत फर्क पड़ता है। वो बस दिखाती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि उनकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो रही होंगी अंदर से, मैं क्या बताऊं। चलो। वैसे सृष्टि, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। यार सामी, अपने पास वक्त नहीं है तुम। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है। पूछो। तुम इस पूरे केस में मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मतलब तुम तो करण सर के भाई हो ना, तो भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे भाई की वेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई अड़चन ना आए, तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो थैंक यू सैमी, प्लीज वो सच हो जाए। देखो तुम ऐसे क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी बातें करते हो ना, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट। पता है खीकी करने की जरूरत नहीं है। चलो, नहीं तो वो करण सर की शादी हो जाएगी। चलो चलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो शोलिन की आवाज है, बुलाती हूँ उसे। वो यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब नवरात्रि थोड़ी ना चल रहे कि डांडिया खेलेंगे। हम अंदर थे, अब अंदर से बाहर जा रहे हैं। हम? ये अंदर थी, मैं थोड़ी ना अंदर था। मैं तो भाई के लिए जूस बनाने गया था, अब मैं दे के आता हूँ। और सृष्टि अरोड़ा, कैसा लग रहा है अपने सपनों को टूटता हुआ देखकर? लेकिन क्या हुआ, शादी रोक पाए? शादी तो हो रही है, एक बार नहीं कई बार हार गए तुम लोग, बहुत मजा आया। ज्यादा खीकी खूकू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, जंग चालू है। और इस जंग में किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला होना बाकी है, तो अभी से उड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने अपना पासा फेंका नहीं है और बाजी पलटी नहीं है अभी तक, तो तुम एक काम करो, तुम किचन में जाओ, खुद के लिए पॉपकॉर्न बनाओ और शो देखो ना, कज़ द शो मस्ट गो ऑन। आराम से जंग के मजे लो। मैं ही चाहती थी कि करण और मायरा की शादी हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ संजना, पर मुझे एक बात का डर लग रहा है। क्या? प्रीता अरोरा यहाँ आ चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शादी को रोकने की कोशिश करे। चाहे हम लोग करण और प्रीता की शादी को ना माने,
पर सच तो यही है ना कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। अगर प्रीता चाहे तो इस शादी को रोक सकती है, वो भी लीगली। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द करण और माहिरा की शादी हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक होगा। ओ मुदारा भाई, आपके लिए जूस। आई एम फाइन, थैंक गॉड। सृष्टि ठीक है? चल मैं जूस पिला देता। हाँ जी, आराम से। ओ माय गॉड, अगर करण सर ने ये नशे की गोली वाला जूस पी लिया ना तो उनका दिमाग घूमने लगेगा, वो अपना होश खो बैठेंगे और ये शादी रुक जाएगी। अरे मैं पहले ये शादी रोकना चाहती थी क्योंकि करण सर उस लुटेरी दुल्हन के साथ शादी कर रहे थे, लेकिन अब दुल्हन तो मेरी बहन है। घूंघट में वो मंडप में बैठी है, वो करण सर से शादी कर रही है, तो अब तो मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं रोकना चाहती हूँ। पर दादी तो उनको ये जूस का ग्लास दे रही है। सृष्टि, दिमाग चला, कुछ सोच, कुछ कर, जल्दी कर। सलामत पहुंच गया हूँ, तुम बताओ वहाँ पर हो क्या रहा है? सब ठीक है ना? करण और भाईरा की शादी हो रही है ना? बस होने वाली है। करण अपनी दुल्हन के साथ मंडप पे बैठा है और यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। करण की शादी हो रही है पर मैं तो यहाँ हूँ, तो करण की शादी किसके साथ? कहीं मंडप में मेरी जगह प्रीता तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। Fantastic. बस जल्दी से करण और माहिरा की शादी हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन तुमने तो प्लान बना ही लिया था मेरे प्लान को फेल करने के, वो भी एक बार नहीं दो बार। लेकिन थैंक्स टू मी शादी तो हो रही है। पंडित जी आप प्लीज मंत्र पढ़ते रहिए, शादी करवाते रहिए, ये लोग तो बाधा डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज। सृष्टि ठीक हो? हाँ। हाँ? एक मिनट ऋषभ जी, मुझे यहाँ नहीं, मुझे वहां बैठना है। सृष्टि यू ओके? यार ऋषभ जी आई एम ऑल फाइन। कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है। वो लुटेरी दुल्हन मायरा भी नहीं दिख रही और देखे हाथ में स्क्रैच, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि देखी फाइट हुई हो मायरा से? दीन अपने हक के लिए फाइट की हो सकता है ना, देखी उससे फाइट हुई होगी और दी ने उसे ऊपर ही लॉक कर दिया होगा और उसकी जगह दी मंडप में बैठ गई होगी। एक मिनट, ये नक्कटी डायन शर्लिन भी तो नहीं दिख रही? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर गई थी और अब तक ये नीचे नहीं आई। प्रीता जी के आसपास मंडराने का है ना? ना तो मैं दिखती हूँ और ना ही मैं हूँ, तुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके अगेंस्ट में जो कोई प्लान बनाती हूँ वो फेल हो जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। शट अप, गलती से ऐसा सोचना भी मत। क्यों, बुरा लगा? जान लेने की बात कर रही हूँ इसीलिए? हाँ हेलो, तुमने मेरा फोन काट दिया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं इसका नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी, मुझे कभी फोन ही नहीं कर पाएगा। अरे किधर है आप, मैं आपको कब से ढूंढने जा रही हूँ। क्या आप शोलिन के रूम में? अरे आप शोलिन के रूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट, आप वहीं पर रहिए, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। प्रीता मेरे कमरे में, उसकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चकाती हूँ। इस नक्कटी डायन को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब इस जंगली बिल्ली की बारी है। मेरे होते हुए ये मंडप तक कैसे जा सकती है? जा ही नहीं सकती। सृष्टि अरोड़ा जाने ही नहीं देगी। इस बार इसे तंगड़ी कबाब नहीं, भेजा कबाब खिलाऊंगी इस मायरा की बच्ची को। रुको, अरे
नमोना जी, फेरे तो शुरू हो गए, समझ लीजिए अब शादी हो गई। संजना अब पानी, शादी मेरी बेटी की है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो। होंगी ही ना, अगर माहिरा की शादी करण से नहीं होती तो प्रीता से हो जाती, और मैं इतना तो जानती हूँ कि प्रीता मेरी बेटी शलिन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। हाथ चिप चिप हो गए, पुत्र मैं धोकर आती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है कोई आ रहा है। फेरों की विधि संपन्न हुई, अब आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठते हैं। ये सृष्टि कहां रह गई? शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं, मायरा की आवाज है, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रही है? इसका मतलब करण सर और दी की शादी हो गई। What? चलो। क्या हुआ मायरा? दादी, मायरा चल देखते। ये मायरा यहाँ है तो ये घूंघट पे कौन है?
हॉस्पिटल में जाकर उसका गला घोटने की कोशिश तुमने की, क्योंकि तुम चाहती नहीं थी कि मेरी मायरा की शादी हो। मेरी फैमिली ने, हम समझे तुम पे कितना विश्वास मिला कि तुमने तुमने सिर्फ हमें धोखा दिया और कुछ नहीं। मेरी मॉम तो इतनी इनोसेंट है, उन्हें लगा कि तुम हम सबके लिए गुड लक हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम हम सबके लिए बैड लक भी थोड़ा बैड लक। अरे शतु, तू बहुत इस लड़की पे विश्वास करता था ना, तुझे देख के तो मुझे भी एक बार को लगा कि मैं भी इस लड़की पे विश्वास कर लूं, लेकिन नहीं, मैं एक नागिन पे विश्वास कर सकता हूं, लेकिन इस लड़की पर नहीं। लड़की है, मेरी बेटी है, संस्कारी है, ये रहे आपकी संस्कारी बेटी के करतूते। देखिए ये किया इसने, अब कुछ बोलना है आपको? चुप क्यों है आप, बोलिए ना कुछ। लेकिन मैंने गलत किया क्या है? अपने पति से ही तो दोबारा शादी की। पति नहीं हूं मैं तुम्हारा, पति नहीं हूं। पहले तुम्हारी शादी करवा, पहले ही कहा था वो कि महेश अंकल की हालत इसकी वजह से ऐसी है ना, और ऋषभ को भी किडनैप किया था। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर इसको छूट मिल गई ये क्या क्या नहीं कर सकती है। हमें इमेजिन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैडम। तुमने जो दो इल्जाम लगाए ना प्रीता जी पर, वो गलत है। नहीं ऋषभ, तू नहीं बोलेगा आज। आज तू कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरी और मेरी लाइफ की बात है। ये तेरी लाइफ का सवाल है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। कर देखा, और तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। करण मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़। और क्या चाहती तुम? करण मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़। बोलो करण मैं, और क्या चाहती? जब इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। बिल्कुल सही कहा तुमने, पहली बार मुझे ऐसा लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अपने दी को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी दी कुछ भी करती है उसका कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। जानती हो ऐसा क्यों किया तुम्हारी दी ने? दूसरा फैमिली की प्रॉपर्टी, पैसे चाहिए तुम्हारे दी को। बिल्कुल सही कहा तुमने करीना, और इसी वजह से पहले दिन से मायरा उसे खटकती है, इसीलिए दो बार इसे मारने की कोशिश की। जब से मेरी बेटी यहाँ पर आई है उसने सिर्फ आप लोगों को प्यार दिया है, आप लोगों को अपनाया है। करण से कितना प्यार किया, पर उसके बदले में उसे क्या मिला, क्या मिला उसे?